प्रियंका, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्रियंका टिप्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक पील ऑफ मास्क का। देखिए, आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे पील ऑफ मास्क के जो हैं वो रिव्यू मिल जाएंगे, क्योंकि आई लव पील ऑफ मास्क, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना अच्छा काम करते हैं ना यार, वो आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आपको एकदम से कहीं जाना पड़ता है ना, तो उसे अपने फेस पर अप्लाई करो, बाकी सारे काम करते रहो और उसके बाद उसको पील कर दो, तो इतना अच्छा इंस्टेंट ग्लो जो है ना वो आपको मिल जाता है। तो मुझे ये फटाफट वाले जो काम होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फेशियल में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, और हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें कहीं पर जाना पड़े और हम फेशियल करने बैठ जाएं। भैया, पहले से ही बहुत सारा काम जो है ना वो हमारे सिर पर होता है। तो मुझे पील ऑफ मास्क बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव कर देते हैं, आपके फेस पर एक अच्छा सा ग्लो ला देते हैं, आपकी स्किन को टाइट कर देते हैं, तो बेस्ट लगते हैं मेरे को ये। और मेरे पास ना बहुत सारे पील ऑफ मास्क हैं। एक बार मैं ये वीडियो बनाऊंगी कि मेरे पास कितने पील ऑफ मास्क हैं, और फिर टू का कंपैरिजन करेंगे वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने अमेजोन से मंगवाया है। अभी मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं करी, मैंने खोल कर भी नहीं देखा। देखिए, इस तरीके से आया था ये, तो ऊपर से मैं इसको फाड़ देती हूँ इस तरीके से। अब कोई बबल रैप वगैरह नहीं आता अंदर से, सिंपल ये ऐसे ही आया है। देखिए, ये है पोन्स का पील ऑफ मास्क। इस पर लिखा हुआ है पोन्स फॉर्मुलेटेड बाय द पोन्स इंस्टीट्यूट गोल्ड ब्यूटी पील ऑफ मास्क फॉर गोल्ड ग्लोइंग स्किन। गोल्ड ग्लोइंग स्किन ही हम सबको चाहिए। इससे पहले मैंने ना अभी गुड वाइब्स का एक गोल्ड ब्राइटनिंग पील ऑफ मास्क का रिव्यू शेयर किया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकैलोमाइन का चारकोल पील ऑफ मास्क का रिव्यू शेयर किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे पील ऑफ मास्क हैं वो भी। तो अभी मैंने परचेज किया है पोन्स का, इतना पूरा बॉक्स भर गया है यार पील ऑफ मास्क से। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मतलब कितने पील ऑफ मास्क लगाने हैं फेस पर, तो रिव्यू करने के लिए भी चाहिए होते हैं, इसलिए भी मैं परचेज करती हूँ और फिर ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है, तब आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से गोल्डन ही इसकी पैकिंग है कुछ, और इसका जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट 280 रुपीज़ का मुझे ये मिला है। 270 या 280 रुपीज़ का मुझको ये मिला है। इस पे पीछे भी यही लिखा हुआ है, पोन्स गोल्ड ब्यूटी गोल्डन पील ऑफ मास्क, लेट्स गेट योर ग्लो ऑन। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, डायरेक्शन फॉर यूजेस लिखा हुआ है, पैच टेस्ट भी लिखा हुआ है। अप्लाई द मास्क व्हेन यूजिंग फर्स्ट टाइम ऑन 2x2 cm एरिया ऑन द इनसाइड ऑफ द हैंड बिलो ऑन रिस्ट 24 आवर्स बिफोर फेस एप्लीकेशन। देखिए, इसमें लिखा है कि आपको ना इसको एक बार पैच टेस्ट करके देखना है। मैं तो आपको डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करके दिखा दूंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो आप एक बार हैंड पर इसके यहाँ पर जो है ना वो टेस्ट करके देख लेना। इंग्रेडिएंट इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, और इसमें लिखा है यूज़ ट्वाइस अ वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट, मतलब आपको हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करना है। तो अगर अभी हम आगे डेमो में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो हफ्ते में 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अप्लाई करना होता है, और सूखने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आप अपने बहुत से कामों को निपटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फेशियल की तरह आपको लेके बैठना है और अपने फेस पर अप्लाई करते रहना है। उसमें हमारे को अगर हम अपने आप भी करते हैं तो अप्रॉक्स 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आप सुबह उठते हैं, अपने फेस को वॉश करिए अच्छे से, उसको अप्लाई करके आप अपने सारे काम जो है वो निपटा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 80 ग्राम है। कोई भी इसकी आउटर पैकिंग नहीं थी, सिंपल सी इसकी पैकिंग है। तो अभी तक मैंने इसको ट्राई तो करके देखा नहीं है, तो ट्राई ऑन वीडियो जो है वो आपके सामने ही होगा, लाइव होगा। तो मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं है। अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसमें शेल्फ लाइफ जो है इसमें 6/23 तक लिखी हुई है, यानी कि 2023 और जून तक ये आपकी जो है वो वैलिड है। तो अभी तो 21 है, तो 2 ईयर्स की आपको शेल्फ लाइफ इसकी मिल जाती है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, पोन्स का प्रोडक्ट है। पोन्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ही पुराना ब्रांड है, ऐसा नहीं है कोई नया ब्रांड है। तो अमेजोन का लिंक जो है मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से डेमो की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको परचेज करना है या नहीं। मैं भी आपको बता दूंगी, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो आप बिल्कुल भी परचेज मत करना, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तब भी आपकी मर्जी है, आप परचेज करो या मत करो।
तो चलिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन किया है। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ निविया के मिल्क डिलाइट फेस वॉश का। बहुत ही अच्छा है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सर्दियों में आपके लिए बेस्ट फेस वॉश है ये। बहुत ही जल्दी इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर आने वाला है। और उसके बाद हम इस पील ऑफ मास्क को अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। कोई भी नया तरीका नहीं है, जैसे आप और पील ऑफ मास्क अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको लगाना है। बालों को अच्छे तरीके से पीछे कर लें या मेरी तरह कोई एक ये हेयर बैंड लगा लें, क्योंकि अगर इसके साथ वो सूख जाते हैं तो टूट जाते हैं और बहुत ही पेन होता है। तो एक इवन सी पूरी लेयर आपको अपने फेस पर लगा लेनी है इसकी। और इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा आँखों में सेंसेशन सी हो रही है और ठंडा ठंडा लग रहा है इसको लगाने के बाद, तो जैसे हम ब्लीच लगाते हैं तब होती है बिल्कुल वैसे ही हो रही है। तो अब मैंने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लिया है और इसको सूखने का टाइम देंगे, जैसे कि अब विंटर्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सूखने में, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। और ये मेरा पूरा आधा घंटा लगा है और पूरा जो पील ऑफ मास्क है वो सूख चुका है। इसको हम नीचे की तरफ से जो है वो पील ऑफ करेंगे, तो इसको नीचे की तरफ से इस तरीके से लेंगे और ऊपर की तरफ जो है हम पील कर देंगे। तो थोड़ा सा पेनफुल होता है जब हम इसको पील करते हैं, तो थोड़ा बहुत ही पेनफुल होता है, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। कई वीडियो में मैंने देखा है कि लोग इसको पील करते समय रोने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हल्का सा पेन होता है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है और आपको मेरे फेस पर ग्लो जो है वो पूरा नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा काम किया है इसने मेरे फेस पर। मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद आप मेरे फेस को देख सकते हैं, तो एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।